जी इस वक्त हम ये एक दो रेडियो की तरफ हैं और ये प्लास्टिक के बर्तन बेचते हैं भाईजान, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा यार, ये आप कब से कर रहे हैं, ये कारोबार कब से कर रहे हैं आप? 15 दिन हो गए। हाँ जी, 15 दिन से। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले आप गाँव में होते थे, वहाँ क्या करते थे आप? अच्छा, और ये भी भाई आपके साथ हैं। अच्छा ये बताएं जरा, ये कितने का सारा सामान खरीदा, दो रेडियों का या एक रेडी का आपने? 16-16 हज़ार का खरीदा आपने। तो 16-16 हज़ार में 15 दिन से आप बता रहे हैं कि कितना का मार्जिन निकलाता है इसमें से? 6 हज़ार तक निकलाता है। 4 इसका ले उड़ा, डेली का 6 हज़ार कमा लेते हैं। 15 दिन का 6 मेरा निकला, 4 आपने। टोटल इस पर कितनी लागत आई है? 6 की रेडी ली। अच्छा अब ये बताएं कि आप 15 दिनों से ये बेच रहे हैं, डेली कितनी सेल हो जाती है? 4 हज़ार दोनों रेडियों की? नहीं नहीं, एक की हो जाती है। 4 हज़ार की सेल हो जाती है, 400 रुपये। और 4 हज़ार में से आपको बचता कितना है? 400 रुपये, 10 रुपये। यानी ये कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप 4 हज़ार तक की सेल करें तो कोई मुश्किल से 400-500 बचता है आपको। चले जी नाजरीन, ये देख लें, ये भी काम हो सकता है कोरोना की इस बीमारी में। बहरहाल ये उन लोगों के लिए जो इतने खास पढ़े लिखे तबके से नहीं है, लेकिन हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप काम करें। तो ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा देखेंगे इस चीज़ को भी, और गवर्नमेंट भी देखें इस तरह के हज़रात को जो मार्केट में होते हैं, उनका जो है एहसास करें। सो अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।